दोस्तों, आज के समय में हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमें हर तरफ दीवालों पर, खंभों पर बैनर तथा पोस्टर लगे नजर आते हैं। साथ ही हम अखबारों में रोज सुबह नई नई रंग बिरंगी तस्वीरें पढ़ने के लिए देख लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चित्रों और अक्षरों की छपाई का इतिहास क्या है? कैसे पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाली इन मोटी मोटी किताबों को छापा गया था, वो भी तब जब कंप्यूटर भी नहीं बना था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि किताबों और अखबारों को छापने वाली प्रिंटिंग मशीन का इतिहास क्या है, इसे सबसे पहले किसने, कब और कहां बनाया था, और इसके बाद इसे किसने उन्नत तरीके से बनाया। तो बने रहिएगा आखिर तक इस वीडियो में छपाई मशीन के आविष्कार का बेहतरीन इतिहास जानने के लिए। दोस्तों, जब इंसानों को जरूरी ज्ञान और इतिहास को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इकट्ठा करने की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने इसे लकड़ी या जानवरों की हड्डी पर लिखकर समेटना शुरू कर दिया। पर ये इतने कारगर साबित नहीं होते थे क्योंकि समय के साथ इनके अस्तित्व खत्म हो जाते थे। इसीलिए वक्त के साथ कागज का आविष्कार भी किया गया था जो कि लिखावट और दस्तावेजों को समेटने में पत्थर का मील साबित हुआ था, जिसका सन 105 ईडी में चाय लून नामक एक चीनी ने आविष्कार किया। कागज के आविष्कार के बाद उस समय के विद्वानों ने इसका खूब प्रयोग किया और इस पर धार्मिक तथा सामाजिक ज्ञान को लिखना शुरू कर दिया। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय सिर्फ गिने चुने लोगों को ही लिखना और पढ़ना आता था, इसलिए एक व्यक्ति को एक किताब लिखने में सालों लग जाते थे और इसलिए उस समय की लिखी किताब सिर्फ राजाओं और महाराजाओं के पास होती थी। आम जनता इससे वंचित रहती थी। माना जाता है इसी समस्या को दूर करने के लिए सन 712 ईस्वी में कुछ लोगों ने अक्षरों को बार बार लिखने से अच्छा उसे छापने का सोचा ताकि ज्यादा से ज्यादा लेख लिखे जा सके। इसी के चलते कुछ लोगों ने लकड़ी का ब्लॉक बनाया, मतलब हर अक्षरों का एक लकड़ी का ब्लॉक बनाया गया जिसे स्याही में लगाकर छपाई की जाने लगी, जिसके बाद चीन में ही हीरक सूत्र नामक संसार की पहली मुद्रित पुस्तिका प्रकाशित की गई। हालांकि लकड़ी से बनाए गए ये ब्लॉक छपाई में तेजी नहीं ला सके थे, इसलिए समय के साथ लोगों ने इसको भुला दिया। फिर सन 1041 ईस्वी में चीन के पाई शेंग नामक व्यक्ति ने चीनी मिट्टी की मदद से अक्षरों को तैयार किया। इनके बनाए गए अक्षर कुछ हद तक कामयाब रहे थे जिसमें बहुत थोड़ी मात्रा में छपाई की जाने लगी थी। इन अक्षरों को ही आधुनिक टाइपों का आदि रूप माना जाता है। इन टाइपों के ऊपर स्याही जैसे पदार्थ को पोत कर कागज के ऊपर दबाकर छपाई का काम किया जाता था। इस प्रकार मुद्रण यानी प्रिंटिंग के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को ही दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षरों की छपाई का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन 15वीं शताब्दी के मध्य में योहान गुटेनबर्ग द्वारा छापने की मशीन बनाए जाने के बाद इसको ही आधिकारिक रूप से पहली छपाई मशीन माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके आविष्कार के बाद ही दुनिया में किताबें और अखबारों की छपाई में क्रांति आई। इस प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ गई, बुक्स की छपाई होने लगी, लोगों के बीच किताबों की मांग बढ़ने लगी। इसकी वजह से यूरोप का मिडिल क्लास भी किताबों का आदि हो गया था और किताबें पढ़ने लगा था। आपको बता दें कि गुटेनबर्ग ने सन 1439 में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था जो कि एक मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन थी। इस मूवेबल प्रिंटिंग मशीन से छपाई का काम ब्लॉक में अक्षर खोद कर किया जाता था। जर्मनी के मेंस शहर में 1398 में जन्मे गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग मशीन की खास बात ये थी कि इससे छपाई में लकड़ी की जगह मेटल ब्लॉक का इस्तेमाल होता था। इस मशीन के इजाद होने से किसी भी तरह के पेपर पर छपाई करना आसान हो गया था। ये प्रिंटिंग मशीन रोजाना 1000 से ज्यादा पेज की छपाई कर सकती थी। इसके पहले छपाई की जो तकनीक थी उससे दिन भर में सिर्फ 40 से 50 पेज ही प्रिंट हो पाते थे। आपको बता दें कि गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग मशीन में सबसे पहले जर्मन भाषा में कविता छापी गई थी, फिर इसके बाद लैटिन ग्रामर की किताब की छपाई भी की गई। लेकिन गुटेनबर्ग प्रेस को पहचान तब मिली जब उन्होंने दुनिया की पहली प्रिंटिंग मशीन से दुनिया की पहली बाइबल की छपाई की। गुटेनबर्ग ने 380 ईस्वी के एक लैटिन अनुवाद से बाइबल सफेद कागज पर काले अक्षरों में छापी थी और फिर इस जर्मन वैज्ञानिक योहनेस गुटेनबर्ग ने ही इस बाइबल को 1456 में जर्मनी के माइन शहर में प्रकाशित किया था। ये बाइबल आज भी गुटेनबर्ग बाइबल नाम से फेमस है। फिर इस बाइबल की छपाई अधिक संख्या में की जाने लगी और फिर इसे यूरोप के बाहर के चर्चों में पहुंचाया जाने लगा। इससे पहले बाइबल बहुत कम ही थी। इसे हाथ से लिखने में पादरी को 1 साल का समय लगता था, लेकिन गुटेनबर्ग ने इससे भी कम समय में 200 बाइबल की छपाई करके इतिहास बना दिया। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस में छापी पहली बाइबल 30 फ्लोरिन में बेची थी जो कि उस समय की जर्मन मुद्रा थी।
यह उस समय हाथ से लिखी बाइबल से सस्ती थी। दोस्तों आपको बता दें कि आज भी दुनिया 21 से ज्यादा गुटनबर्ग बाइबल मौजूद हैं और आज इनकी वैल्यू 30 मिलियन डॉलर से अधिक है। आपको बता दें प्रिंटिंग मशीन के सफल आविष्कार के बाद यूरोप के शहर स्ट्रासबर्ग में योहान कोरोलूस नाम के कारोबारी ने तकरीबन 1605 में इस छापे की मशीन को खरीद कर समाचार पत्र छापने लग गया। वो उसने अपने समाचार पत्र का नाम रिलेशन रखा था। ये विश्व का प्रथम मुद्रित समाचार पत्र माना जाता है। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया कई और लोग भी इस मशीन का प्रयोग करने लगे और साथ ही इसमें सुधार भी करने लगे और नई नई तकनीक ढूंढने लगे। इसी के चलते कुछ दिन बाद फ्रेडरिक क्विंग ने भाप इंजन से संचालित प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था जिसका उन्हें सन 1810 में पेटेंट भी मिल गया। आपको बता दें कि उन्होंने एक स्टीम प्रेस का डिजाइन किया था जो एक हैंड इंजन से जुड़े हैंड प्रेस की तरह था। इस मॉडल का पहला उत्पादन परीक्षण अप्रैल 1811 में किया गया था। ये मशीन प्रति घंटे 1100 प्रिंट छाप सकती थी। आपको बता दें प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से सूचना एवं ज्ञान के प्रसार में क्रांति आ गई थी, इसलिए प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार एक महान आविष्कार माना जाता है। कहा जाता है कि पहले भाषा का उपयोग, उसके बाद लिपि एवं लेखन का प्रयोग एवं उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार एक समान रूप से दुनिया के तीन बड़े आविष्कार हैं जिन्होंने ज्ञान एवं विद्या के प्रसार एवं विकास में भारी योगदान दिया है। आपको बता दें कि फिर धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे प्रिंटर में भी विकास किया जाने लगा। पहला कंप्यूटर प्रिंटर का डिजाइन 19वीं शताब्दी में कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स वेबेज ने अपने डिफरेंस इंजन के लिए डिजाइन किया, मगर 20वीं शताब्दी तक भी ये डिजाइन बनकर तैयार नहीं हो पाया था। फिर जापान की कंपनी एप्सन ने वर्ष 1968 में EP-101 नाम का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर का आविष्कार किया। ये शुरुआती प्रिंटर आमतौर पर टाइपराइटर तथा टेलीटाइप मशीन का मिश्रण होते थे। फिर समय के साथ प्रिंटर की स्पीड में बढ़ोतरी की मांग के कारण विशेषकर कंप्यूटर उपयोग के लिए प्रिंटर सिस्टम के विकास की ओर कई मशहूर कंपनियां काम करने लगी, जिसके चलते कुछ वर्षों के बाद ही 1984 में कम कीमत का HP लेजर जेट को लॉन्च कर दिया गया। ये प्रिंटर अक्षरों को कागज पर छापने के लिए स्याही भरी रिबन पर इन्हें मारते हैं, तब वो अक्षर कागज पर छपता है। ये अपना कार्य बिल्कुल टाइपराइटर की तरह करते हैं। जिस तरह हम टाइपिंग करते हैं ठीक उसी तरह ये प्रिंटर प्रिंटिंग करते हैं। दोस्तों 20वीं सदी में ही कई और तरह के अच्छे प्रिंटर बनाए गए थे, लेकिन सबके बारे में इस वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है, इसलिए जो प्रमुख थे उन्हें ही हमने इस वीडियो में बताया है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन। आपको बता दें भारत में प्रिंटिंग की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले गोवा से हुई। कई इतिहासकारों के मुताबिक 30 अप्रैल 1556 को गैस्पर कालेजा द्वारा लिखे गए पत्र में पुर्तगाल से लाई जा रही इस प्रिंटिंग मशीन का जिक्र मिलता है। हालांकि इस प्रिंटिंग प्रेस से उस समय सिर्फ बाइबल की छपाई की जाती थी और फिर आधिकारिक रूप से भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन सूरत निवासी भीमजी पारेख ने बम्बई में लगाई थी। उन्होंने अपनी छापने की ये मशीन यूरोप से आयात की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।